तो सर इस बिजनेस में जो आपको सबसे बड़ी बेनिफिट दिखा वो क्या दिखा? देखिए देखिए ठीक से जो पेड़ का जो हम लोग बिजनेस करते हैं, सैपलिंग जो अभी नर्सरी बिजनेस जो है, नर्सरी बिजनेस में प्रॉफिट है, वर्मी कंपोस्ट में प्रॉफिट है, जो हम लोग इंटीग्रेटेड किया है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ठीक से ध्यान देने से करने से, और जो भी आपका ऐसा नई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो विद इन 3 इयर्स वो कम से कम वो जो बैंक लोन और किसी से लोन लेगा वो कंप्लीट कर सकता है उसमें। मतलब अच्छा खासा बेनिफिट, बस करने का तजुर्बा होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। बहुत ही आसान है या फिर बहुत मुश्किल काम है? ना बहुत मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, हाँ मुश्किल है लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा, धीरज से धीरे धीरे शांति से करना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात। हमारे पास अभी ट्रैक्टर है कैरी करने के लिए, हम लोग हमारे पास ट्रक है, हैंड ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर सब है हमारे पास। हाँ हमने देखा आपके फार्म में लगभग 10 से अधिक तो गाड़ियां हैं सिर्फ। हाँ ट्रैक्टर वैक्टर सब मिला के सबसे जो एक फार्मिंग करने के लिए जो चाहते हैं वो इरिगेशन, वो इरिगेशन हम लोग पूरा पेड़ में हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा दिया, गवर्नमेंट का हेल्प से ही लगाया है। और हमें अभी जो सोलर पंप है वो 5 HP का सोलर पंप भी अभी चल रहा है, वो भी लगाए हैं आपने? हाँ चलिए अच्छी बात है। वो भी गवर्नमेंट सेक्शन से हम लोग को सब्सिडी मिला है, उसी में गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलता है हमको। तो अभी हम लोग जो सोलर पंप बैठा दिया तो अभी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कम हो गया, बहुत कम चार्ज होता है, तो चाहते हैं हम लाइट भी उसे इससे चलाएंगे। हाँ ये तो सोलर सिस्टम मतलब बहुत अच्छा चीज है, हम भी अपने फार्म में छोटा सा इस्तेमाल किए थे। तो अगर कोई करना चाहे तो सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है ना। चलिए अच्छी बात है सर। तो सर आज आपने बताया इसका प्रोजेक्ट वैल्यू 10 करोड़ प्लस है, तो सर जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया था? हम लोग को जो शुरू में शुरू किया था तो हम लोग अपना खुद 20 लाख ऐसे करीब करीब लगा था। और लोन का पैसा हमारा 12 लाख था, 18 लाख जैसा वो लोग का। उसके बाद हम लोग बैंक लोन लिया 60 लाख टोटल लिए, तो मतलब 80 लाख जैसा आपका स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो सर ये जो इतने सारे जो बर्ड्स है आपका, कड़कनाथ, बत्तख, मछली और ये पेड़ पौधे, कुत्ते और गाय, ये सब आपने कहाँ से लाया था? क्योंकि ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और एक बार में कहीं से भी लाना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार तो नहीं हो सकता ना, धीरे धीरे। तो सर इससे पहले आप क्या करते थे? हम दुर्गापुर स्टील प्लांट हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट नौकरी करते थे। मतलब सरकारी नौकरी था आपका? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मतलब सरकारी नौकरी था आपका। हाँ चलिए अच्छी बात है। तो वहाँ आपको लगभग कितना सैलरी मिलता था रिटायर होने से पहले तक? हमारा 80,000 करीब करीब लास्ट में लगा। चलिए अच्छी बात है। तो सर अभी आपके इस टोटल फार्म में, ये 60 बीघा का जो फार्म है, इसमें टोटल कितने स्टाफ हैं? 25 मिनिमम सर, 25 स्टाफ है सिर्फ। तो सर इनका टोटल जो कभी जो स्टाफ लगता है तो पार्ट टाइम ले लेते हैं वो, मतलब 25 स्टाफ होने के बावजूद भी आपको बाहर से स्टाफ मांगना पड़ता कभी कभी। तो सर इनका मिनिमम सैलरी से लेकर मैक्सिमम सैलरी कितना है? मिनिमम सैलरी 6,000 पर, मतलब पर हेड 200 रुपए पर डे, पर डे 200 रुपया है। और मैक्सिमम सर? मैक्सिमम जो लोग मैनेजर है 300 पर डे, मतलब 9,000 रुपया उनको देते हैं।